नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं, खबर दमदार का वक्त। और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करने वाले हैं। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, सीएम आवास पर ही बैठक होनी है। त्योहारों को लेकर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और बैठक में शामिल होने डीजीपी प्रशांत कुमार सीएम आवास पहुंच चुके हैं। एडीजी, आईजी, डीआईजी बैठक में वर्चुअली शिरकत करेंगे। सभी जिलों के कप्तान भी बैठक का हिस्सा होंगे। सभी कमिश्नर, डीएम, सीडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़ेंगे। तो बड़े स्तर पर, पूरे प्रदेश स्तर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास से ही बैठक का संचालन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंच चुके हैं। वहीं एडीजी, आईजी, डीआईजी इस बैठक से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। सभी जिलों के कप्तान को भी जुड़ने को कहा गया है। ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का हिस्सा होंगे। सभी कमिश्नर, डीएम, सीडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बड़े स्तर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई है, सभी अधिकारियों से खुद मुखातिब होंगे, कुछ वहां मौजूद होंगे, कुछ वर्चुअल जुड़ेंगे। मेन एजेंडा आज की मीटिंग का क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सारे जिलों के कप्तान, जितने रेंज के आईजी, डीआईजी हैं, जो उनके एडीजी हैं, वो जुड़ेंगे, पुलिस कमिश्नर्स जुड़ेंगे, डीएम लोग भी रहेंगे। लिहाजा कानून व्यवस्था को लेकर सबसे पहले उसकी समीक्षा की जाएगी। हाल ही में जो क्राइम की बड़ी घटनाएं हुई हैं, एक दो लूट की जो घटनाएं हुई हैं, एक दो जगह जहां पर मेरठ में अभी मकान गिरा है, हाथरस में एक्सीडेंट हुए हैं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। और जैसे पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान शुरू कर दिया, उसका अगला फेज शुरू हो गया है, तो उसकी प्रगति रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है कि जो एक महिला हेल्प डेस्क हर थाने में बनी हुई है वो कितनी इफेक्टिव है। साइबर के ऊपर भी पुलिस से सवाल जवाब हो सकते हैं कि जो साइबर थाने हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बीती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये बात निकल के सामने आई थी कि कई ऐसे जिले हैं जहां के साइबर थानों में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो वो साइबर थाने किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद जो आने वाले समय में त्योहार आने वाले हैं उनको लेकर के होगा कि जितने समन्वय है सभी विभागों के साथ, चाहे वो पुलिस हो, जिला प्रशासन हो, बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, डीपीआरओ हो, सीएम हो, इन सब के साथ एक बेहतरीन समन्वय होना चाहिए ताकि त्योहारों का जो सीजन है वो सबके लिए खुशियां लेकर के आए, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी ना बता के पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के स्तर से निर्देश दिए जाएंगे। समन्वय हो, आपस में समन्वय हो, और यही वजह है कि पुलिस कप्तानों को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जाएगा मीटिंग से, तो वहीं तमाम डीएम, कमिश्नर, सीडीओ उन्हें भी जोड़ा जाएगा। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में थे, वहां पर उन्होंने भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और साथ ही साथ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। भेड़िए के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके परिजनों से मिले, उन लोगों से भी मिले जो कि हमले में जख्मी हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन विभाग की टीम को भेड़िए को पकड़ने के लिए कहा ही गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर पकड़ में न आ पाए तो शूट भी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक वन विभाग की टीम इस खतरे को खत्म नहीं कर देती है तब तक यहीं पर तैनात रहेगी। बहराइच में भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वन विभाग ने अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा है, जबकि एक लंगड़ा भेड़िया अब भी पकड़ से दूर है। यहाँ पर एक किले, हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है।
तो बहराइच में मुख्यमंत्री ने भेड़िये के हमले से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द बांटा और इस दौरान सीएम योगी ने एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उसे दुलार करते भी दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पीड़ित लोग बेहद भावुक नजर आए और पीड़ितों ने सीएम योगी की तारीफ भी की। क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के लिए आए, क्या कहा मुख्यमंत्री ने आवास के बारे में और जानवर पकड़ लेंगे? आपने अपने परिजन को खोया है या परिजन घायल हुए? घायल। घायल हैं तो क्या बोले मुख्यमंत्री? पकड़ जाएंगे। अच्छा, क्या कहे मुख्यमंत्री आपसे बातचीत हुई? बातचीत हमारे से यही हुई थी कि जो हमारे लड़के के काटा है भेड़िया ने, जो बोले हैं कि आप लोगों को पैसा भी मिला हुआ है, 5400 रुपया भी मिला है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी पीड़ित हैं और उनके परिजन बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगी? आपको मुख्यमंत्री जी मिलने आए, आपसे क्या कहा और कब हुई थी आपके यहाँ भेड़िये के हमले की घटना? 15 तारीख को हुई थी। तो भेड़िये ने काटा था मानसी को, इसी बच्ची को? इसी बच्ची को देखिए भेड़िया ने काटा था, इसके निशान भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री इन सभी बच्चों से मिले हैं और क्या कहा मुख्यमंत्री ने? कहा कि अरे भेड़िया के हमला हुए तो रात में पल्ला वल्ला लाग रहा, तो हम कहें नहीं लाग रहा है, कहीं पक्का घर आवास पाए तो हम कहा आवास पाए है, यह सब पूछा। आवास पाए कि नहीं पाए ये पूछा, तो आवास आप लोगों को मिला है? बताया है ना कि मिला है हमको। क्या कहे मुख्यमंत्री जी आपसे? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इलाज करवाते रहे, ये बच्चे का 1-2 महीने में भेड़िया पकड़ लिया जाएगा। आपका बच्चा भी घायल है, यही बेटी है, देखिए ये बच्ची भी घायल हुई थी भेड़िया के हमले से और अभी भी इसके कान के पीछे ये पट्टी बंधी हुई है। इस बच्ची से भी मुख्यमंत्री मिले हैं, ऐसे ही तमाम बच्चों से मुख्यमंत्री मिले हैं जो भेड़िया के हमले में घायल हुए हैं। आप देखिए ये बच्चा और ये नन्हा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। इस तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप ये बताइए क्या कहेंगी आज मुख्यमंत्री जी मिलने आए आपसे, क्या हुआ था, कौन सी घटना आपके साथ हुई थी? हमारे बच्चे को खा लिया था, हाथ पैर सब खा लिया। अच्छा, तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने? कहने पल्ला दरवाजा जिसके घर में। आप ये बताइए क्या कहा मुख्यमंत्री ने आपसे, मुलाकात हुई और आपने बताया, आपने जो भी आप दर्द झेले हैं आपके दर्द को बांटा? हाँ सर, बांटा हमारे दर्द को, बोले कि बहुत से जल्द जानवर पकड़ा जाएगा, हमारी सरकारी टीम जंगल विभाग की लगी पकड़ी जाएगी और बोले कि जल्द पकड़ा जाएगा वो, और हमको आवास नहीं मिली तो बोले कि आपको बहुत जल्द आवास भी मिल जाएगी। आप किनके परिजन हैं? जी नकवागा हमारी बेटी का प्रतिभा नाम है। प्रतिभा, हम आपके घर आज गए थे सुबह प्रतिभा के। इधर महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ के पुण्यतिथि सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जियो और जीने दो ही सच्चा लोकतंत्र है और ये भारत ने दिया है। को हमारी ऋषि परंपरा ने कहा कि जियो और जीने दो, ये जियो और जीने दो यही सच्चा लोकतंत्र है और ये भारत ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। याद करिए प्राचीन काल में अगर राजा निरंकुश होता था तो वहां की गण परिषद निरंकुश राजा को, या राजा दुराचारी होता था, अत्याचारी हो जाता था, उसकी निरंकुशता को, उसके दुराचार की सजा देने के लिए उसे सत्ता से च्युत करने का अधिकार रखती थी। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। जेवर के रनहेरा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट से सटे हुए गांव रनहेरा में बारिश के बाद जलभराव हो गया, सड़कें पानी से लबालब हैं। गांव वालों ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है, लोगों ने प्रशासन और अथॉरिटी पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। हमारे रनहेरा गांव में बाढ़ आ गई है और देखिए जी स्थिति बहुत भयानक है, करें तो करें क्या, रास्ता घेर पर जाने के लिए भी नहीं है। गौ माता वह भूखी खड़ी है, हमारा भूस बह गया है और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। अब करें तो करें क्या, नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के कारण और एयरपोर्ट प्रशासन की लापरवाही के कारण हमारा गांव डूबने के कगार पर है। कृपया जल्दी से जल्दी एक्शन लें
इस पानी का समाधान करें। इधर बस्ती में सरयू नदी उफान पर है, जिससे सरयू नदी के किनारे कटान हो रहा है, लोग डरे हुए हैं। ऐसा ही एक वीडियो देखिए जिसमें एक मकान सरयू के कटान में बह गया। बाढ़ की विनाश लीला की ये तस्वीरें सामने आई हैं। नदी किनारे रहने वाले लोग अब डरे हुए हैं। कलवारी इलाके के मईपुर गांव की ये घटना है। इधर पीलीभीत में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच बाढ़ का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स शारदा नदी की लहरों में फंसा दिखा। करीब आधे घंटे तक वो मौत से जूझता रहा। सूचना पर पहुंचे नाविकों ने मदद की और उसकी जान बचाई। मदद के लिए चिल्लाने पर गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी तो स्थानीय नाविक नाव लेकर नदी में पहुंचे और धार में फंसे इस युवक की जान बचाई। प्रयागराज में एक बार फिर से एक गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से भी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दोनों नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुका है। गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ आने से जहां दूसरी बार बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया, वहीं अब तटीय इलाकों में भी बाढ़ के पानी से खतरा मंडराने लगा है। संगम क्षेत्र में सभी सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थीं, वहां पर नावें चल रही हैं। संगम में आई बाढ़ की वजह से घाट के तीर्थ पुरोहित भी सुरक्षित स्थानों को कूच कर गए। नावों का संचालन भी फिलहाल रोक दिया गया है। घाटों पर SDRF के साथ ही जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। अरे सर, बहुत सर प्रॉब्लम हो रही है पानी वजह से। बताइए, पढ़ाई इधर पेपर भी है, नुकसान हो ही रहा है, समय भी लॉस होगा, पेपर भी जो है समस्या तो चल ही रहा है। पानी में इतने दूर से आना जाना, फिर सारी सुविधाएं बंद हो जा रही हैं, दिक्कत हो रहा है सर, बहुत हो रहा है। अब कब काम होगा पता नहीं चल रहा है। शासन की तरफ से व्यवस्था कराई गई नाव? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब पानी क्यों बढ़ रहा है सर, पता नहीं चल रहा है ऐसा। जी जी, कल से बढ़ा है पानी, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम लोग फंस चुके हैं बिल्कुल। अब जिस हिसाब से पानी बढ़ा लग रहा है कल तक बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा। अब उस चक्कर में भागना पड़ेगा हम लोगों को। चौराहे तक कल पहुँच जाएगा पानी। इधर बाराबंकी में भी बाढ़ का कहर है। सरयू नदी उफनाई हुई है। जोरदार बारिश और नेपाल के अलग अलग बैराजों से छोड़े गए तकरीबन 8 लाख क्यूसेक पानी की वजह से सरयू नदी निरौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी किनारे इलाकों में हालात विकराल हो चुके हैं। जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। तराई के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से 15 गांवों के लोग परेशान हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आजमगढ़ पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने यूपी में एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर करारा जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में दबिश देने जाने पर, फायरिंग होने पर पुलिस को छिपना पड़ता था। आज अपराधियों को गोली का जवाब गोली से मिल रहा है और यही बात समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रही। हमारे उनमें सबसे पहले हमें शिक्षकों की स्थिति ठीक करनी है। शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुदान विद्यालय में भी की जा रही है और साथ साथ ये भी विचार है कि अनुदान के रूप में केवल वेतन नहीं, हम लोग और व्यवस्थाएं भी दें, जिससे कि भौतिक व्यवस्थाएं, फर्नीचर, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें भी हमारी विद्यालयों की अच्छी हो पाएं। जो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की व्यवस्था है, उसके तहत भी अपने विद्यालय को हम लोग डोनेशन बड़ी बड़ी कंपनियों से दिलवाएंगे, ताकि हमारे विद्यालय जो कुछ तो 100 साल पुराने हैं, ये अच्छे से आगे बढ़ पाए। संभल से SP सांसद जियाउर रहमान बर्क को PM की गणपति पूजा पसंद नहीं आई। मुख्य न्यायाधीश के घर पर PM मोदी के जाने पर सांसद ने सवाल उठाए हैं। SP सांसद का कहना है कि न्यायपालिका पर लोग भरोसा करते हैं, मुख्य न्यायाधीश के घर PM का जाना अच्छा संकेत नहीं है। हम यही CGI की तरफ से एक देश के माननीय प्रधानमंत्री को बुलाना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। यकीनन न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठती है और कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठे तो वो चीज़ मुनासिब नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर कहीं कार्यक्रम है, वैसे कोई मुलाकात है तो अलग बात है, लेकिन घर पे इस टाइप से आना
एक प्रधानमंत्री का सिंचाई के अंदर हमारी नजर से मुनासिब नहीं। बलिया पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजों से तुलना की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के तर्ज पर देश में जाति और भाषा के नाम पर विभाजन कांग्रेस जैसी पार्टी को ही सूट करता है। लंबे समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने समाज को जिस प्रकार से विभाजित करके रखा था, आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों की भाषा, अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग समाज में जाति भाषा के नाम पर विभाजन, तो यह कांग्रेस जैसी विभाजनकारी राजनीति करने वालों को सूट करता है। महोबा में व्यापारी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने व्यापारी के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। सपा सांसद ने 51,000 का चेक सौंपा और आर्थिक मदद की, साथ ही परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये छोटे व्यापारी हैं, अपनी छोटी सी दुकान में अपना जीवन भरण पोषण कर रहे थे, तो उनकी हम सुख और दुख में हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। सर, आपकी परिजनों से बात हुई है, क्या मामला निकल के सामने आया है, क्या घटना हुई है, किस तरह से? मामला कुछ नहीं है, न इनकी कोई बुराई थी न कोई भलाई थी, ये तो वो एक दबंगई टाइप पर उनको डरवाया धमकाया जा रहा था और उनकी हत्या कर दी गई। फतेहपुर में हाई स्कूल की छात्रा का शव मिलने से सनसनी मच गई। मामला जाफराबाद बाईपास के पास का है। छात्रा के सिर पर हथियार से हमला हुआ था। छात्रा घर से कोचिंग के लिए निकली थी, फिर लौटी ही नहीं। घटना के खुलासे के लिए एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। रेप के बाद छात्रा की आशंका जताई जा रही है। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और इससे साफ है कि उसकी हत्या की गई है। आज सुबह 8:30 बजे थाना बिंदकी पर सूचना प्राप्त हुई कि जाफराबाद बाईपास के पास एक लड़की का शव मिला हुआ है, तो उनके परिजनों को बुला करके परेशान कराई गई, तो उनके परिजनों ने पहचान किया कि उनकी लड़की का ही शव है। शव को देखने पर सर पर चोट के निशान है, प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट सर्विलांस एसओजी टीम है, हम घटना का सही अनावरण करेंगे। मथुरा में गोली लगने से घायल सिपाही अजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई। बदायूं में तैनात सिपाही अजीत छुट्टी पर घर आया था। बीते 8 सितंबर को पड़ोसी से आपसी विवाद हुआ। पड़ोस के रहने वाले 4 लड़कों ने सिपाही को गोली मार दी। घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टैंक चौराहे का ये मामला है। प्रयागराज से चोरी हुए लाखों के मोबाइल फोन को प्रतापगढ़ पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार भी किया है। चोरों के पास से 10,00,000 के 40 मोबाइल फोन बरामद किए गए, 3 तमंचे और बाइक भी बरामद की गई है। 11 सितंबर का यह मामला है, जब प्रयागराज की मोबाइल शॉप पर चोरी हुई थी। चोरों का ये गैंग 5 साल पहले एक सांसद के मंदिर में मुकुट चोरी की वारदात में भी शामिल था। एक टीवीएस मोटरसाइकिल पर ये 3 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। जब इनको रोका गया तो इन्होंने भागने का प्रयास किया, पुलिस ने भी इनको दौड़ाकर पकड़ा। इनके कब्जे से लगभग 40 अदद मोबाइल जो चोरी गए थे वो पकड़े गए हैं, बरामद हुए हैं। इनके पास से 3 अदद तमंचा भी बरामद हुआ है एवं जो चोरी की मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है। इस तरह इस पूरे मोबाइल की जो कीमत है वो लगभग 10,00,000 रुपये के लगभग है और मऊ आईमा में सुसंगत धारा में अभियोग भी पंजीकृत है। संदर्भ में इधर आगरा में एक ट्रक के अंदर शव मिलने से सनसनी मच गई। ट्रक से बदबू आने के बाद गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास का है। ये ट्रक बीते 5 दिनों से यहीं पर पार्क था। बदायूं पुलिस ने अभियान चलाकर 87 वारंटियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर कोर्ट की ओर से NBW जारी हुआ था। 9 घंटे में पुलिस ने अभियान चलाकर 264 अपराधियों में से 87 को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं SSP के निर्देश पर अभियान चलाया गया। कुशीनगर में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले 2 शोहदे व्हीलचेयर पर नजर आए। दोनों मुस्लिम समुदाय के हैं। कल लोगों ने शोहदों की पेड़ से बांधकर पिटाई की थी। आज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।
दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। लड़कों की पहचान इमरान और साहिल के रूप में हुई है। ये दोनों स्कूल जाने वाले हिंदू लड़कियों को परेशान किया करते थे। साहिल अंसारी पुत्र अशरफ अंसारी और इमरान अंसारी पुत्र सुलेमान, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इनको जो है, ये लोग जब इनको पुलिस टीम पकड़ने जा रही थी तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में इनके पैर में चोट भी आई है और व्हील चेयर के माध्यम से इनको पकड़ के लाया भी गया है। ये दोनों छात्र बदमाश स्कूल एवं कॉलेज के बाहर खड़े होकर जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको छेड़ने का कार्य करने की इनकी सूचना मिली थी। इसमें हमारे जो पुलिस टीम है उनके द्वारा इस सख्त कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में मासूम से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 62 साल के बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची को परेशान किया था। बच्चे के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। अंकुर विहार थाना इलाके का यह मामला है। दर उन्नाव में वर्ग विशेष समुदाय के लड़के ने हिंदू लड़की का अपहरण किया। 3 दिन पहले जबरान नाम का आरोपी अपने 7 साथियों के साथ घर में घुसा, नाबालिग को अपने साथ ले गया। आरोपियों ने किशोरी के माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। धमकी की वजह से 3 दिन बाद भाई की तहरीर पर FIR दर्ज हो पाई है। मामला अचलगंज थाना इलाके का है। उधर रामपुर में एनकाउंटर में पुलिस ने अपहरण और धर्मांतरण के आरोपी राशिद को गिरफ्तार किया। हिंदू लड़के का अपहरण कर धर्मांतरण का आरोप है। लड़के की मां के साथ हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे थे। लड़के की मां ने आरोपी राशिद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आज पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। कन्नौज में विशेष समुदाय के लड़के ने नशे की हालत में ट्यूबवेल कर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान बीच बचाव करने आए बजरंग दल के जिला संयोजक को भी जख्मी कर दिया। मामला जिरकिला मोहल्ले का है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हमलावर की तलाश जारी है। भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमे के बाद पुलिस विधायक के बेटे को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। वहीं विधायक और उनकी पत्नी अंडरग्राउंड हैं। बीते दिनों विधायक के आवास पर काम करने वाली एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के दूसरे दिन एक दूसरी नाबालिग लड़की को घर से प्रशासन ने रेस्क्यू किया था। हमीरपुर में जंगली जानवरों ने गांव के पशु बाड़े में घुसकर भेड़ों पर जानलेवा हमला किया। खूंखार जानवरों ने लगभग 25 से ज्यादा भेड़ों को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। भेड़ों के 12 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। लोगों ने स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पाटनपुर गांव का यह मामला है। DM कमिश्नर के साथ DIG ने भी निरीक्षण किया। किसी जंगली जानवर ने भेड़ों को घायल कर दिया तो हमने तत्काल अपने रेंज स्टाफ को यहाँ मौके पर भेजा। वो लोग यहाँ आकर देखे तो 25 के आसपास भेड़ें यहाँ पे घायल हैं, उनमें से मरी हुई हैं। कुछ में दांत के निशान हैं, कुछ में नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानवर की तहसत से वो भेड़ों की मृत्यु हो गई होगी। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जा रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे वास्तविक स्थिति का अनुमान लगेगा कि कितने को जानवर ने हमला किया और कितने जो है साक्ष मरे। भदोही में बीते 13 सितंबर को खेत में एक किशोर का शव मिला था। नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने उसके 6 दोस्तों को हिरासत में लिया। प्रेम प्रसंग की वजह से दोस्तों ने ही गला दबाकर उसकी हत्या की थी। बताया जा रहा है कि पहले लड़के को शराब पिलाई गई, फिर जब वो नशे में था तब गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।